गाजियाबाद में हो रही वारदात पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है। गाजियाबाद के इंद्रपुरम थाना पुलिस ने स्नैचिंग करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीन शाती लुटेरों के साथ एक सुनार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 21 सोने की चैन, नकदी व असला बरामद किया है। हाँ बिल्कुल, आज इंदिरापुरम पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्नैचर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिनमें चार मुलजिम जो स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे वो पकड़े गए हैं और एक सुनार भी पकड़ा गया है, जहाँ पे ये लोग चैन को ले जा करके बेचते थे। इनसे 21 चेनें बरामद हुई हैं और दो मोटरसाइकिलें जिनसे ये घटना को अंजाम देते थे और दो तमंचे मिले हैं। सर, बड़े ही शातिराना अंदाज से ये चैन तोड़ा करते थे और 21 चैन बरामद हुई हैं, तो सर अभी तक कोई करेक्ट जो मतलब पीड़ित आपके पास आए इसमें करेक्ट मिलेगी जो एफआईआर के संबंध में आपके? नहीं बिल्कुल, जितनी भी घटनाएं वर्कआउट हुई हैं जिनसे चेन बरामद हुई हैं तो उन सभी पीड़ितों को बुला करके और चेने कोर्ट के आदेश से, माननीय न्यायालय के आदेश से उनको चेने दी जाएंगे। सर गिरफ्तार कैसे किया गया है? गिरफ्तार कैसे पहुंचे इनके पास तक? इनका एक साथी इसी थाने से पहले भी जेल हम लोग भेज चुके थे, जिसका नाम है आनंद, ये चला गया था और बाकी गैंग पर हम लोग काम कर रहे थे। इनके जो पते थे वो सब हम लोग तस्दीक कर चुके थे और इनकी पूरी टीम इनके पीछे लगी हुई थी। ये बेसिकली रहने वाले, जैसा आप देख रहे हैं कि ये रहने वाले हैं सब दिल्ली के, और एक उसमें सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। ये लोग वहाँ से दो मोटरसाइकिलों से आते थे, दो दो एक पर बैठे रहते थे और इंदिरापुरम, साहिबाबाद, कभी नगर, कौसाम्बी, इन्हीं सब एरिया को टारगेट करते थे और महिलाओं को या पुरुषों को आते जाते वो पहले ये देख लेते थे कि चेन पहना है कि नहीं, फिर उसको टारगेट करके चेन छीन के भाग जाते। सर इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ, तो हथियार किस वजह से रखा किया करते थे? हथियार अपनी सुरक्षा में रखते थे कि अगर कहीं जरूरत पड़ गई, अगर कहीं मान लीजिए इनको पकड़ लिया गया तो उसका प्रयोग करके भाग जाए। सर दिल्ली से जिस तरीके से ये बाइक पे आते थे, रेस नोट में लिखा है बाइक बदल लिया करते, ये कैसे अंजाम दिया? ये दो बाइकें थी इनके पास, जब एक जगह इनकी बाइक अगर चिन्हित हो जाती थी तो उसको चेंज कर लेते ही आना जाना है। दिल्ली से सारा ट्रैफिक आता है, उसी ट्रैफिक में ये भी आते हैं, चेकिंग भी हम लोग करते रहते हैं सीसीटीवी के ही माध्यम से, और अन्य जो सूचनाएं थी उसी माध्यम से ही इन लोगों को पकड़ा गया। पैसे अभी जो पूछताछ से पता चला, एक दो लोगों ने बताया इसमें कि हम लॉकडाउन के बाद से परेशान हो गए थे, इस वजह से हम जो इस घटना को करते थे। हमने कहा भाई आप दूसरे काम भी, रोजगार भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो बताया कि हमारी मजबूरी थी, लॉकडाउन के बाद हमारा धंधा चला गया था, इस वजह से नहीं थी। सर जेल तो पहले भी जा चुके हैं? हाँ बिल्कुल, इनकी पर्याप्त क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये अभी डिटेल कितनी महिलाओं की, कितनी पुरुषों की, हम लोगों ने अभी कलेक्ट नहीं किया है। सारी चेने हम लोग कनेक्ट की हुई हैं और जो भी पीड़ित है उसमें हम लोग चिन्हित कर लेंगे कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, बाद में इसको हम आपको डिटेल दे देंगे। गैंग के और भी ऐसे सक्रिय मेंबर हैं जो दिल्ली एनसीआर में अभी एक्टिव है, जिस गैंग के जो लोग पकड़ेंगे? नहीं, ये गैंग के तो सभी लोग पकड़ लिए गए हैं। एक आदमी पहले पकड़ा गया था और अभी तीन और पकड़ लिए। सर सुनार ने क्या बताया? सुनार इनसे चेन खरीदता था, हमने कहा चेन में करीब 40-50 हज़ार रुपये की चेन ये लोग बेच लेते थे। अब चेन की कीमत अलग अलग चेनों की अलग अलग होती है। दरअसल स्नैचिंग की वारदात पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों की पकड़ के लिए अभियान चला रही है। अभियान के तहत पुलिस ने तीन लुटेरों के साथ एक सुनार को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरे क्षेत्र के लोगों को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। अब देखना ये है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद से क्षेत्र में हो रही वारदात में कमी आएगी या नहीं। नवोदय टाइम्स के लिए गाजियाबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट।